क्या आपके भी स्मार्टफोन के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाउ टू फिक्स 5G नेटवर्क प्रॉब्लम, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी हमें 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा है। इसे हम अनेबल कैसे करेंगे? जैसे कि आपको मैं वाईफाई बंद करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने ऑन कर लिया ये। अभी आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 4G नेटवर्क यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं 4G नेटवर्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5G नेटवर्क है वो नहीं आ रहा है। तो उसे आप कैसे, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं 5G नेटवर्क प्रॉब्लम आप कैसे फिक्स करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कनेक्शन का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, उसका ऑप्शन होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ नेटवर्क मोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5G करके, 5G LTE। तो इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे, आप बैक जाएंगे, ठीक है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से एक काम और करना है, यहाँ पर एक सर्च बार होता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है रीसेट, जैसे मैं डालता हूँ रीसेट ऑल सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना होगा, ठीक है, ऑल रीसेट कर देना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जियो 5G लेना चाहते हैं या फिर जियो 5G का नहीं आ रहा है या फिर एयरटेल 5G का नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। आपका फ़ोन जो 5G कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको चेक करना। किसी किसी स्मार्टफोन में 5G अपडेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, जैसे F23 है, ठीक है, या फिर 5G अभी पूरी तरीके से नहीं चालू हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। ये सेटिंग जो कर लेंगे तो 100% आ जाएगा अगर 5G आपकी एरिया में आ गया होगा तो, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए।